राज्य की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में आगामी सत्र से जुड़े कई विषयों को लेकर सभी दलों के नेताओं से चर्चा की गई है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद रहे। आगामी सत्र को लेकर चर्चा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का सत्र कब और कहां होगा। इस पर अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से पहले आयोजित होने वाला है और ऐसे में जल्द ही कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी जिसमें अंतिम निर्णय शीतकालीन सत्र के बारे में लिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अब अपनाएंगे, देखिए हम लोगों ने बिल्कुल सोच रखा है, इसको ट्रांसपेरेंटली हम लेंगे एंड मैं बेस्ट माइंड चाहती हूँ तो इसलिए इसका प्रॉपर तरीके से हम परमिशंस होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे और बेहतरीन हमको जो माइंड मिले इस विधानसभा को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम उसका सिलेक्शन करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले सेशन जो कि मार्च में होगा उससे पहले हम एक सचिव या तो डेप्यूटेशन पे या जैसे भी हम लोग लाएं। नहीं, बहुत अच्छा है, मैं भी हो पूरे उत्तराखंड में हो, बल्कि मैं तो जो मेरे उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं पूरे देश भर में, ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि स्थापना दिवस 9 नवंबर को हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण होगा कि जब हम सब लोग जहाँ पे भी हम उत्तराखंडी लोग हैं वहाँ राज्य स्थापना दिवस मनाएँ, उससे पहले इगास पर्व मनाएँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का